अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआ से। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह शेयर करने लगी हूँ। इसका पहले पार्ट वन मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये बिज़नेस बे एवेन्यू है। यहाँ पे पीछे आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं और ये इसकी बाहर का एरिया है, साथ ही इसके मॉल है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे ग्रीनरी की हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है। और ये इसका मॉल है बिजनेस बे एवेन्यू का। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आना हुआ, ये ओपन मॉल है। एक साइड पे इसकी शॉप्स और रेस्टोरेंट है, और जो इसके सामने वाली जो बिल्कुल जगह है तो उसमें से विंडो है सारी, यानी ग्लास लगा हुआ है, वहाँ से सारा बाहर का व्यू आता है। ये एक किस्म का ओपन मॉल कह सकते हैं इसको। ये देखें, ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी ये इटालियन फूड मिलता है, पिज़्ज़ा और पास्ता वगैरह। तो यहाँ पे हम बैठ गए बच्चों ने, क्योंकि कहा कि इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खाना है आज, इटालियन फूड का उनका दिल चाह रहा था, तो फिर हम यहाँ बैठ गए। तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, बहुत ही बजट में था, काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे 5 लोगों का खाना तकरीबन 140 दिरहम आया उसका बिल, जो कि बहुत मुनासिब सा बिल था। तो उसमें पिज़्ज़ा, पास्ता और कुछ चिकन रोस्ट था, और अच्छी तरह उनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी। और ये देखें, उन्होंने डेकोरेट किया हुआ पीछे, ऊपर आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बनाया हुआ है उन्होंने रूफ टॉप पर। तो आप ये देख सकते हैं पीछे, तो पीछे रेस्टोरेंट का नाम भी आप देख रहे होंगे। तो इस दौरान में बस खाना आ गया, उसमें कुछ गार्लिक ब्रेड्स थी और साथ में बाकी चीज़ें भी थी। ये देखें, ये कुछ चिकन था, फ्राई चिकन, साथ में पोटैटोस थे, और ये भी सॉस थी, स्पेगेटी, और साथ में ये पिज़्ज़ा बच्चों ने कर लिया था ऑर्डर। तो बस ये नॉर्मल सा एक खाना था, जो कि आराम से हेल्दी भी था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, हैवी लाइट सा फूड था। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे हैंड वगैरह वॉश करने वाशरूम में, तो ये यहाँ पे इनके साफ़ सुथरे होते हैं, इनके वाशरूम वगैरह भी साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। उन्होंने हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा होता है, ताकि जो उनके कस्टमर आएँ तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, वो इजीली यहाँ पे अपनी शॉपिंग करें, अपने आप को इंटरटेन करें, रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, और बाकी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको एंजॉय करें, और इस जगह पे ताकि दोबारा आने का वो सोच सके। तो ये फिर रेस्टोरेंट से फारिग होने के बाद, ये उसके कॉरिडोर की वीडियो है, पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही यानी बहुत ही लॉन्ग कॉरिडोर है, साथ में पीछे रेस्टोरेंट्स भी हैं। और अभी ये मॉल के बिल्कुल सामने का एरिया है, जो जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पीछे मस्जिद भी आप लोग देख सकते हैं, और ये एक बटरफ्लाई इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही पीसफुल जगह थी, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, और बिजनेस बे एवेन्यू वैसे ही बहुत अच्छी जगह है। पीछे वो बुर्ज खलीफा का व्यू भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़र आ रहा है उसका, बस टॉप वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, बाकी तो बिल्डिंग्स ने कवर कर दिया था। ये देखें, ये वॉकवेज बने हुए हैं, बहुत ही आराम से आप इस पे वॉक कर सकते हैं, और फुटपाथ भी हैं, वॉक ट्रैक्स भी हैं, आप जो भी जिस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स भी बनी होती हैं, अगर साइकिलिंग करनी है किसी ने तो आराम से वो कर सकते हैं। तो ये देखें, इनकी पार्किंग का एरिया उसी इसी मॉल का हिस्सा है ये, तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह करके हम अंदर जा सकते हैं आराम से। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। दुआओं में फिर याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।